एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परशम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स। 10 to 16 अप्रैल के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर देखेंगे। दो सेगमेंट में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज और क्या थीम रही है। जो इम्पॉर्टेंट डे मुझे लगे हैं उनको यहाँ पर लिया है, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट कुछ पर्सन्स जो इस दौरान न्यूज़ में थे 10 to 16 अप्रैल, तो उन पर्सन्स को भी हम देखेंगे। अगर आप लोगों ने रेगुलर हमारा करंट अफेयर 7 AM पर देखा है तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। आज 35 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको करने, और आपका जो भी स्कोर रहता है वो आप हमको कमेंट सेक्शन पे देंगे। क्लियर? साथ ही साथ अगर आज की क्लास का PDF आपको चाहिए है तो परचम की वेबसाइट पर विजिट करके आपको आज की क्लास का PDF मिल जाएगा। तो फटाफट लिंक को एक बार शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे डेज एंड थीम से। इसके अलावा परचम की टीम ने आप लोगों के लिए SSC GA कोर्स लॉन्च किया है। आप इसे देखना चाहते हैं तो परचम के एप्लीकेशन पे आपको एक कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को हालांकि इंडियन रेलवे की शुरुआत होती है, 16 अप्रैल को 1853 में पहली ट्रेन जो है वो मुंबई में चलाई जाती है, ठाणे में, है ना, आपको पता होगा। लॉर्ड डलहौजी जो है वो फादर ऑफ इंडियन रेलवे कहलाते हैं। तो 16 अप्रैल इंडियन रेलवे डे के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा 16 अप्रैल को हम सेव द एलिफेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली थाईलैंड की बेस्ड एक एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन है, उसके द्वारा इस दिन की शुरुआत की गई। और भारत में जो एक एलिफेंट हॉस्पिटल बनाया गया है वो मथुरा उत्तर प्रदेश में भी बनाया गया है, ये बात भी आपको पता है। तो सेव द एलिफेंट डे हम 16 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा 16 अप्रैल को एक और डे हम सेलिब्रेट करते हैं, वो है वर्ल्ड वॉइस डे 2022। हमारी वॉइस कितनी इम्पॉर्टेंट है लोगों को इसके बारे में बताने के लिए 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। और जिसकी थीम क्या रही थी, लिफ्ट योर वॉइस। थीम क्या रही है, लिफ्ट योर वॉइस। नेक्स्ट बात करते हैं 15 अप्रैल। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने एक पेंटिंग का नाम सुना होगा, मोनालिसा। मोनालिसा की पेंटिंग किसने तैयार की थी, लियोनार्डो विंची ने। तो उन्हीं के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। यूनेस्को ने ये डिसीजन लिया था 2012 में कि हर साल 15 अप्रैल को हम वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेट करेंगे विंची की याद में, क्योंकि विंची का यहाँ पे बर्थडे है जिन्होंने मोनालिसा पेंटिंग को बनाया था। 14 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, जिस दिन हमने अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेट की थी, जिसको भीम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था, इसलिए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बाबा साहब अम्बेडकर को कहा जाता है। हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर भी बाबा साहब अम्बेडकर रहे हैं, और इनका जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है दलित वर्ग के अपलिफ्टमेंट के लिए, इसलिए इनको 1990 में भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पहली बार यहाँ पर ऑफिशियल पब्लिक हॉलीडे कब डिक्लेयर किया गया था, 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट है 14 अप्रैल। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डे। WHO के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड चगास डिसीज डे। WHO ने यहाँ पे चगास डिसीज डे डिक्लेयर किया था 2019 में, जब 72 नंबर की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली चल रही थी। तो 2019 में अनाउंसमेंट किया गया था, और पहली बार वर्ल्ड चगास डे कब सेलिब्रेट किया था, 2020 में। तो वर्ल्ड चगास डे हर साल 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, WHO के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल सेफ मदरहुड डे 11 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया पहला नेशन है जिसमें हम नेशनल सेफ मदरहुड डे को डिक्लेयर किया गया था। बेसिकली 2003 से इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, और ये बर्थ एनिवर्सरी होती है कस्तूरबा गांधी की, जो कि महात्मा गांधी की वाइफ रहती हैं। थीम क्या रही है, रिमेन एट होम अमिट कोरोना वायरस, प्रोटेक्ट मदर एंड इन्फेंट सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। तो याद रखिएगा, इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली डिक्लेयर नेशनल सेफ मदरहुड डे। तो हर साल 11 अप्रैल को हम नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट करते हैं। अब 12 अप्रैल, 12 अप्रैल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी 12 अप्रैल को पहली बार जो है वो स्पेस में ह्यूमन गया था। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है वो 12 अप्रैल को होती है। और 12 अप्रैल को 1961 में जो यूरी गैगरिन होते हैं, गैगरिन, वो पहली बार स्पेस में जाने वाले व्यक्ति बनते हैं, इसलिए 12 अप्रैल को इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इस दिन की शुरुआत 2011 में की गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ पर्सन जो इस दौरान न्यूज़ में रहे थे। जैसे पहले पर्सन है मिथुन मंजूनाथ। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि मिथुन मंजूनाथ किस गेम से रिलेटेड है, तो ये बैडमिंटन खेलते हैं, इंडियन शटलर है, विन सिल्वर मेडल एट ऑर्लिंस मास्टर 2022 फाइनल्स। तो ऑर्लिन मास्टर 2022 के फाइनल में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, मिथुन मंजूनाथ।
और अगर हम मेन सिंगल के टाइटल की बात करते हैं तो वो किसने जीता है, टोमा जूनियर पोबोब ने जीता है जो कि फ्रांस के हैं। वुमेन सिंगल में आप देखेंगे पुत्री कुसुमा वर्धानी जो कि इंडोनेशिया की हैं वो वुमेन सिंगल का टाइटल जीती हैं और इन्होंने आयरिश बांग को हराया है जो कि यूएसए की हैं। तो आपको याद रखना है मिथुन मंजूनाथ जो है वो भारत के सटलर है, बैडमिंटन प्लेयर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इकबाल सिंह लालपुरा जी के बारे में, इन्हें वापस से अपॉइंट कर दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। ठीक है, ये पंजाब कैडर से एक आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। अगर हम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट के बारे में बात करते हैं तो 1992 में पास किया गया था, उस समय भारत में 5 माइनॉरिटीज़ थी, लेकिन 2014 में एक और माइनॉरिटी ऐड कर दी गई जिसका नाम है जैन, और अब टोटल 6 माइनॉरिटी भारत में है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वो 6 माइनॉरिटी कौन कौन सी हैं। तो याद रखेंगे इकबाल सिंह लपूरा जी को वापस से रीअपॉइंट कर दिया गया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। नेक्स्ट बात करते हैं टिम साउथी जो कि न्यूजीलैंड के एक क्रिकेटर हैं, खिलाड़ी हैं, इन्होंने सर रिचर्ड हेडली मेडल को जीता है। न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2022 हाल ही अनाउंस किए गए थे और सबसे बड़ा जो क्रिकेट अवार्ड है वो सर रिचर्ड हेडली मेडल है जो कि टिम साउथी ने जीता है, जो कि न्यूजीलैंड के ही खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जय शाह के बारे में। बीसीसीआई की सेक्रेटरी हैं और इन्हें मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आईसीसी क्रिकेट कमेटी बना दिया गया है। रिसेंटली मतलब 10 अप्रैल को दुबई में आईसीसी की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव में जय शाह का नाम चुना गया जो कि बीसीसीआई की सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा श्रीलंकन क्रिकेटर हैं महिला जयवर्धनम, उन्हें भी रीअपॉइंट कर दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों पर्सन का नाम याद रखेंगे। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है हर्षवर्धन श्रृंगला जो कि फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, इन्हें G20 चीफ कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। इनका काम 1 मई से शुरू होगा दिसंबर 2023 तक, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2023 में भारत पहली बार G20 को होस्ट करने वाला है और इस साल G20 को बाली मतलब इंडोनेशिया होस्ट करेगा। तो याद रखेंगे G20 चीफ कोऑर्डिनेटर कौन बन गया है, हर्षवर्धन श्रृंगला जी बन गए हैं। अब यहाँ पे दो पर्सन का नाम हम बताते हैं जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, और हमें पता है कि ज्ञानपीठ अवार्ड भारत के अंदर दिया जाने वाला लिटरेसी की फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड होता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड है। तो यहाँ पे 57th और 56th ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो 57th नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो दामोदर मौजो को मिला है जो कि कोंकणी राइटर है, और 56th नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया है, असमी पोएट नीलमणि पूखन को। याद रखेंगे असमी पोएट है नीलमणि पूखन जिनको 56 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है, और ये 3rd नंबर के असमी पोएट बन गए हैं जिनको यहाँ पर ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है मनोज सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी चेयरमैन बन गए हैं UPSC के, इन्होंने प्रदीप कुमार जोशी की जगह ली है। तो मनोज सोनी अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ UPSC, इनका टेन्योर 2023 तक रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ये दो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, और UPSC में जो है वो 6 मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग 1 चेयरमैन। नेक्स्ट है शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ अपॉइंटमेंट्स है। आइए अब हम बात करते हैं क्विज के बारे में। 35 क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं जिनके आंसर आपको करने और स्कोर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसके अलावा आज है संडे, ये आप क्विज देंगे बिल्कुल। इसके बाद अब RRB NTPC का एग्ज़ाम भी है, CHSL भी है, CGL भी है, और ऐसे कई सारे एग्ज़ाम लाइनअप हैं। तो आपको पढ़ना तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को लगाना भी ज़रूरी है। इसलिए आप लोगों को प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पर एक एप्लीकेशन मिलेगा IQ Arena, इसे आप डाउनलोड करेंगे और सुबह 10 बजे जनरल साइंस का टेस्ट देंगे, 11 बजे हिस्ट्री का टेस्ट, 2 बजे इकोनॉमी का टेस्ट है, 3 बजे ज्योग्राफी का, और 4 बजे पॉलिटी का टेस्ट है। तो इससे आपके सब्जेक्ट जो है वो रिवाइज होंगे और आपका संडे बहुत यूज़फुल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है संडे को, ये 24 अप्रैल संडे को ये पूरा टेस्ट कंडक्ट होने वाले हैं, तो तैयारी रखेंगे और 24 अप्रैल को टेस्ट देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे इन 12th QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2022। तो यहाँ पर जो 12th QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है उसमें टॉप 100 में दो इंस्टीट्यूट हैं, उनमें से एक है IIT बॉम्बे। तो IIT बॉम्बे की क्या रैंकिंग है, तो आंसर हो जाएगा 65, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन ये बनता है कि पहली रैंकिंग किसकी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ रैंक फर्स्ट इन द 12th QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा MIT जो कि USA की एक यूनिवर्सिटी है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है
20th meeting of National Tiger Conservation Authority was held at Pakke Tiger Reserve. In which state is reserve located? पहली बार दिल्ली के बाहर National Tiger Conservation Authority की meeting हो रही है, जो कि 20वें number की meeting है, और ये पक्के टाइगर रिजर्व में हो रही है. तो पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द कंटिन्यूशन ऑफ अटल इनोवेशन मिशन. अटल इनोवेशन मिशन जो है वो नीति आयोग की मदद से शुरू किया गया था और इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2023 तक. आपको बताना है कि अटल इनोवेशन मिशन को कब शुरू किया गया था नीति आयोग ने. तो आंसर हो जाएगा 2017 में. ठीक है, नेक्स्ट है, नॉट जस्ट अ नाइट वॉच माई इनिंग्स इन BCCI. इस बुक के लेखक कौन हैं? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नॉट जस्ट अ नाइट वॉच माई इनिंग इन BCCI? तो भारत के फॉर्मर कैग रह चुके हैं विनोद राय, उनकी ये बुक है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, विच प्लेयर हैज़ वॉन द फार्मूला 1 2022 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो है फार्मूला 1 रेसिंग, वो किसने जीती है? तो ये जीती है चार्ल्स लेक्रिक ने. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. 1064 एक एंटी करप्शन मोबाइल एप्लीकेशन है. किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो 1064 एंटी करप्शन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने. इसके अलावा हिम प्रहरी एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है, वो भी आपको याद रखना है. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ UPSC? UPSC के नए चेयरपर्सन कौन बन गए? तो अभी हमने डिस्कस किया था डॉक्टर मनोज सोनी. ठीक है, इसके अलावा आपका लेफ्टिनेंट जनरल, आपको अगर मनोज पांडे जी याद है, जो कि वाइस चीफ हैं अभी आर्मी के, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है, मनोज पांडे और मनोज सोनी, दोनों चीज़ें आपको याद हो जाएंगी. नेक्स्ट बात करते हैं, विच स्टेट हैज़ टॉप नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 अमंग लार्ज स्टेट कैटेगरी? लार्जर के अलावा यहाँ पे क्वेश्चन में स्मॉल स्टेट भी हो सकता है. तो लार्ज स्टेट में गुजरात और स्मॉल स्टेट में आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. यूटी बता देती हूँ, चंडीगढ़. ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉलोइंग द रिमूवल ऑफ इमरान खान बाय नो ट्रस्ट वोट? तो कौन नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं पाकिस्तान के? तो शहबाज शरीफ बन गए हैं. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, नेम द इंडियन डुओ हु पेयर टू विन द गोल्ड मेडल इन अ मिक्स डबल इवेंट ऑफ 2022 WSF वर्ल्ड डबल स्कॉश चैंपियनशिप एट ग्लासगो. तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में 2022 वर्ल्ड डबल स्कॉश चैंपियनशिप हुई थी. इसमें मिक्स डुओ में भारत की किस टीम ने गोल्ड जीता है और भारत का ये पहला गोल्ड है? तो आंसर हो जाएगा दीपिका पल्लिकर और सौरभ जोशना, सौरभ घोषाल. तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर. अगर यहाँ पे मिक्स की जगह व्यूमेन होता, व्यूमेन डबल की बात होती, तो आपको दीपिका पल्लिकर और जोशना चिरप्पा का नाम याद रखना होता. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, What is the real gross domestic product growth projection for 2022-23 as per the RBI monetary policy April 2022? अभी रिसेंटली मैंने आपको RBI की मॉनिटरी पॉलिसी डिस्कस कराई थी, इसमें GDP ग्रोथ कितनी बताई है? तो आंसर हो जाएगा 7.2% GDP ग्रोथ बताया है. नेक्स्ट है, विच फोटोग्राफर फोटो टाइटल कैमलूप रेसिडेंशियल स्कूल हैज़ वॉन 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर? तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो अंबर ब्रैकेन ने जीता है. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द फर्स्ट फुली प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? तो किस ऑर्गेनाइजेशन पहली बार एक प्राइवेट इंटरनेशनल स्पेस मिशन को लॉन्च कर रहा है? तो स्पेस एक्स की मदद से ये लॉन्च हो रहा है, एक्सम स्पेस. ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है, हाउ मैनी मेडल हैज़ वॉन बाय इंडिया एट 2022 थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप? तो थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने टोटल 10 मेडल जीते हैं. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, हाउ मैनी आर्टिस्ट हैव बीन कन्फर्ड विद संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप एंड संगीत नाटक अवार्ड फॉर द ईयर 2018? तो रिसेंटली संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और अवार्ड दिए गए हैं और ललित कला अकादमी पुरस्कार और फेलोशिप भी दी गई हैं. तो यहाँ पे संगीत नाटक फेलोशिप और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कितने लोगों को दिया है? 44, जिनमें से 40 अवार्ड हैं और 4 क्या है? फेलोशिप है. ठीक, नेक्स्ट है, नेम द वेटरन बंगाली ऑथर हु हैज़ बीन अवार्डेड दिस ईयर ओ हेनरी प्राइज फॉर शॉर्ट स्टोरी टाइटल गाउंड ब्रो. तो ओ हेनरी प्राइज 2022 किसे मिला है? तो ओ हेनरी प्राइज किसे दिया गया है? एक बंगाली ऑथर है जिनका नाम है अमर मित्रा. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वीमन आर्चरी विल बी हेल्ड एट विच सिटी? तो पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वीमन आर्चरी कहाँ पर होगी? तो ये भारत में होगी, जमशेदपुर में. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर.
ठीक है। इसके अलावा कल हमने डिस्कस किया था फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो है, वीमेंस वर्ल्ड कप, तो वो भी भारत में हो रहा है। ठीक है, 3 जगह डिसाइड की गई हैं, आपको मैंने कल बताया था, उड़ीसा है, गोवा है और मुंबई है। एज़ पर द डेटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वॉट वॉज द नंबर ऑफ पेटेंट फील्ड इन 2021 एंड 2022? तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि इस साल भारत में बहुत ज़्यादा पेटेंट फाइल किए गए हैं, कितने, 66,440। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच एयरपोर्ट हैज़ टॉप द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ द टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट वर्ल्ड वाइड फॉर द 2021? टॉप 10 में कोई इंडिया का है तो आंसर है नहीं, 8 USA के हैं टॉप 10 में और 2 किसके हैं, चाइना के हैं। तो यहाँ पे USA का ही एक एयरपोर्ट है जो कि बिजिएस्ट एयरपोर्ट में शामिल हुआ, जिसका नाम है एटलांटा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द ICC क्रिकेट कमेटी एज द मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव? कौन बन गए हैं? तो हमने देखा था जय शाह बन गए हैं और ये BCCI के सेक्रेटरी भी हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर और महिला जयवर्धने को रीअपॉइंट किया गया है। स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्टर? स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम किस यूनियन मिनिस्ट्री का एक प्रोग्राम है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर नाडा बेस्ड सीमा दर्शन प्रोजेक्ट जो कि रिसेंटली अमित शाह के द्वारा चालू किया गया है, किस इंडियन स्टेट में इसे इनॉग्रेट किया? तो ये सीमा दर्शन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पाकिस्तान की बॉर्डर के पास में। फिर है रशेल हाइनेंस इन द नेम एज द ICC वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर ऑफ द मार्च, हु शी रिप्रेजेंट विच कंट्री? तो रचेल हैंस जो है वो ICC वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ मार्च बन गई हैं। ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। अगर हम बात करते हैं मेल वीमेन्स की जगह मेंस प्लेयर के बारे में मार्च में, तो बाबर आजम है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान से हैं। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ लॉन्च अ न्यू डिपॉजिट स्कीम विकास श्री संपत 1111? तो इस स्कीम को कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने शुरू किया, इसका हेड ऑफिस कर्नाटका में और 2005 में इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है कदम, तो विच IIT हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप पॉलीसेंट्रिक प्रो सिंथेटिक नी कदम? तो किस IIT ने डेवलप किया है? तो IIT मद्रास ने इसको डेवलप किया है। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। माधवपुर मेला हर साल किस इंडियन स्टेट में लगाया जाता है? तो माधवपुर मेला कहाँ लगता है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेम द एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विच हैज़ बीन सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट इन पोखरण राजस्थान। तो उस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम आपको बताना है, अभी रिसेंटली इसको टेस्ट किया गया था, तो आंसर हो जाएगा हेलिना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब एक ध्रुव हेलीकॉप्टर है, इसको भी भुवनेश्वर और उड़ीसा में शामिल किया गया है, एक लाइट वेट हेलीकॉप्टर है, तो आपको बताना है ध्रुव हेलीकॉप्टर किस ऑर्गेनाइजेशन में कमीशन किया गया? तो आंसर हो जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो उड़ीसा और भुवनेश्वर और आपका वेस्ट बंगाल का जो कोस्टल प्लेन है, उनकी सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने ध्रुव MK3 एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को कमीशन किया है। हु इज़ द विनर ऑफ द 56th ज्ञानपीठ अवार्ड? तो 56 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड जो है असमी पोएट को मिला है, नीलमणि पूखन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच इंडियन PSU हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल एट 18th स्कॉच अवार्ड इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी? एक गोल्ड भी मिला है और इनको एक सिल्वर भी मिला है, कौन है वो? NMDC है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम? 2026 के कॉमनवेल्थ गेम कौन होस्ट करेगा? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी करेक्ट है। हु हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन टू स्कोर 10,000 रन इन T20 क्रिकेट? तो सेकेंड इंडियन कौन बन गया? पहले इंडियन विराट कोहली हैं और सेकेंड इंडियन जो है वो रोहित शर्मा बन गए हैं, जिन्होंने 10,000 रन T20 क्रिकेट में बना है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच टीम हैज़ वॉन FIH जूनियर वीमेन हॉकी वर्ल्ड कप 2022? तो जूनियर वीमेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो साउथ अफ्रीका में हुआ था 2022 में, इसे किसने जीता है? तो इसे जीता है नेदरलैंड ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर हैज़ वॉन 2022 रेकियाविक ओपन चेस टूर्नामेंट? तो ये टूर्नामेंट किसने जीता है? डी गुकेश को हरा कर ये टूर्नामेंट आर प्रज्ञानंदन ने जीता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी? ठीक है, तो कौन बने हैं? तो दो क्वेश्चन पूछे हैं, एक क्वेश्चन मैंने वो इंडेक्स से रिलेटेड पूछा था, ठीक है, नीति आयोग का जो इंडेक्स था, और दूसरा क्वेश्चन ये है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर अपने स्कोर के साथ आप हमें कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।